अब लेट ओवर्स में हमने स्पिन को भी देखा है कि उनका बॉल भी थोड़ा फंस के आ रहा है, तो आई थिंक टैक्टिक डेफिनेटली ये होना चाहिए। आई एम श्योर कि इंडिया तो ऑलरेडी उन्होंने दिखाया है पावर प्ले में, जिसमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अटैक किया था पहले 10 ओवर्स में। पाकिस्तान को भी इसी अप्रोच के साथ जाना होगा कि हमने नए बॉल से रन बनाने होंगे, क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है आपको रन बनाने में। अभी हम स्टैट्स की या पिचेस की बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टैट्स शुरू होते हैं जब से ग्राउंड ये बना है, लेकिन आई थिंक 2011 या 2013 में ये पूरा स्टेडियम रेनोवेट हुआ है और इसकी जो पिचेज हैं वो भी डिफरेंट, मतलब उसके ऊपर जो रीसर्फिसिंग हुई भी है, मट्टी उसकी चेंज हुई है, तो उसका जो बिहेवियर है शायद वो 15 साल पहले वाली पिचेज नहीं होंगी। फिर आई थिंक इसकी जो मट्टी भी है वो भी मिक्स है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं पर मिक्स है, तो ये देखना होगा कि कौन सी पिच के ऊपर मैच है और उसका बिहेवियर आप कंपैरिजन नहीं हम कर सकते जी कि 15 साल पहले इस पिच के ऊपर ये हो रहा था तो अभी भी वैसा ही होगा। और ज़्यादा स्विंग वाली बात है, शुक्र है माउंटी ने ये नहीं कह दिया कि शाहीन का बॉल तो स्विंग होगा लेकिन बुमराह का यहाँ पे स्विंग होगा, तो आई थिंक कंडीशंस तो दोनों टीमों के लिए सेम ही होंगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे शाहीन का बॉल स्विंग नहीं होता और पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है तो ये डिसएडवांटेज फिर इंडिया को भी जाएगा, क्योंकि इंडिया भी रिलाय सिर्फ बुमराह की बॉलिंग के ऊपर ही कर रहे हैं नए बॉल से। उनके बाकी जितने भी बॉलर हैं, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हैं, चाहे वो सिराज हैं, शमी अभी तक खेले नहीं है, तो ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो दोनों टीमों को वो इक्वल हो जाएगी एक चीज़ नए बॉल के साथ। ठीक है, इंडिया के लिए एक है कि अश्विन को खिलाएं या शमी पे जाएं, एक उनके लिए है एक चॉइस। सकी भाई आप क्या कहेंगे, ये जो स्पिनर्स की बात हो रही है और मिडल ओवर्स की बात हो रही है? आई थिंक अगर पिच ड्राई है तो डेफिनेटली वो अश्विन की जो बातें कर रहे हैं बात ऐसे निकलती नहीं है, आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन की होगी राहुल ने और रोहित ने, तो ऑब्वियसली पिच और तीन लेफ्ट हैंडर जो बीच वाले हैं उसके लिए रोहित का सोच रहे होंगे। बट आई थिंक जैसे अभी जो बात की थी किशोर ने, जो सवाल उठाया था पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है इन्होंने पावर प्ले और किस तरीके से किस माइंड सेट से खेले, आई थिंक इन्होंने 340 प्लस जो चेज किया है उन्होंने अपने अंदाज से क्रिकेट खेली है, और ये नहीं था कि पहले पावर प्ले को लूटा जाए मिडल में जनाब, वो थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड खेल के जो है रनिंग बिटवीन द विकेट तेज़ करके या उसमें एंड में जाके लूटा जाए, उन्होंने अपने अंदाज से क्रिकेट खेली है। तो आई थिंक अगर अपने अंदाज से खेल के ये 340 प्लस कर रहे हैं तो देर इज़ नो, आई थिंक उनको करना ही नहीं चाहिए कोई डिफरेंट किस्म का एक्सपेरिमेंट। मैच इंडिया के खिलाफ है, बड़ा मैच है, तो आई थिंक जो इनकी अपनी स्ट्रेंथ है, जो सुपर स्ट्रेंथ है, जो अपना अंदाज है खेलने का, उसी के ऊपर रहे। 340 प्लस कर सकते हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो अगर इंडिया बड़ा टोटल रखता है तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो अपने ही अंदाज से अगर खेलें, माइंडसेट वही होगा तो फिर भी 340 प्लस 350 प्लस कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाबर चेंज करने वाला है, और आई थिंक मिकी और ग्रांट ब्रेडमन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे कभी नया एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, ये भी टाइम नहीं बनता, अपनी स्ट्रेंथ पे रहें, अपनी सुपर स्ट्रेंथ पे रहें। अच्छा, एक कंपैरिजन ज़रा यहाँ पे किशोर लेके आते हैं दोनों साइड्स के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, यानी कि टॉप ऑर्डर का पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन, मिडिल ऑर्डर का, और फिर बॉलिंग में अगर और फिर जो हमारे पावर हिटर्स हैं उसका कंपैरिजन, उसके बाद फिर जो हमारा पेस अटैक और स्पिनर्स का, जरा इन पांच डिपार्टमेंट्स का जरा एक कंपैरिजन तो जरा पैरेलल तो ड्रा करते हैं, जरा तो शुरू करते हैं जरा आपकी साइड से जरा एक कंपैरिजन जरा। जी संदीप, टॉप ऑर्डर की बात करें, अगर बैटिंग टॉप ऑर्डर से शुरुआत करें तो दोनों साइड्स को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप, उनका टॉप ऑर्डर उस तरह से अभी चला? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भारत का हूं, लेकिन जो रिकॉर्ड कायम हुए हैं, जो प्रदर्शन हमने देखा है, जो फॉर्म हमने देखा है, उसे देखते हुए डेफिनेटली भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो हावी होता है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से। मोंटी, एक मिनट, अच्छा मोंटी से कमेंट लेते, मोंटी या लुक, आई थिंक जो बैटल अभी ये गेम में यू नो टॉप ऑर्डर होने वाले टॉप ऑर्डर के है, रोहित शर्मा वैसे शाहीन शाह अफरीदी, बिकॉज शाहीन शाह ने उसको भी आउट किया है, जो स्विंग यू नो मिलती है, सो ये स्विंग उसको मिलेगी आई थिंक रोहित शर्मा स्ट्रगल कर सकते हैं। दूसरा है विराट कोहली वैसे हसनराव, उसका भी जब वो अंडर प्रेशर में होते हैं ना वो ज़्यादा तेज डालते हैं, वो ऐसे नहीं सोचेंगे और ये सिचुएशन की बेस्ट बॉल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, वो ऐसे दबाना चाहते हैं विद पेस, एंड यही हम चाहते हैं आसफ राव, ये प्लान बी में गेम प्लान जाना चाहिए बिकॉज भारत के लिए वो अच्छा है, यू नो जब यू नो छक्के चौकी की बरसात होगी भारत की, फिर आई थिंक यू नो जो पाकिस्तान के बॉलर है वो भी काफ़ी परेशान में यू नो हो जाएंगे। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर,
एंड पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है, इमाम उल हक लास्ट सेवन गेम में ना पांच बार ही उसने शॉर्ट बॉल के आउट हुआ है. सो मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली उसको शॉर्ट बॉल देंगे बिकॉज वो शॉर्ट बॉल के स्ट्रगल करता है. एंड दैट्स वाई जो पाकिस्तान के अभी टॉप ऑर्डर है ना, नेदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट 10 ओवर्स 3 विकेट्स हो जाता है, फिर मिडल ओवर का काफी प्रेशर ऐसा है. सो मोहम्मद रिजवान उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बाबर रिजवान जब वो खेलते हैं इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड उसका इतना अच्छा नहीं है. इसका कारण क्या है? बिकॉज वो प्रेशर नहीं संभाल सकते. यू नो एक एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है, घबराहट होती है, एक डर होता है, ये सब फीलिंग्स मिला के ना बाबर की बेस्ट क्रिकेट इंडिया के खिलाफ नहीं होती है. पर जब विराट कोहली को देखते हो वो आपकी बेस्ट क्रिकेट खेलता है बिकॉज वो प्रेशर भी संभालते हैं, एक खुशी भी होती है, एक डर भी होता है, पर वो सब फीलिंग को यू नो मिला के ना विराट कोहली यू नो अच्छा खेलते हैं. जी सेवन, और बाबर आजम का देखा गया कि जो बाहर जाती गेंद जो है वो इंडिया के खिलाफ वहां पे वल्नरेबल दिखते हैं. सही है, इस पर जरा वसीम भाई का और शकीब भाई का कमेंट भी लेते हैं कि टॉप ऑर्डर में अगर हम कंपैरिजन करें दोनों साइड्स पे. जी वसीम भाई, तो देखिए ऑन पेपर आप कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंडिया को एज हासिल है. वहां पे देखें एक्सपीरियंस भी मौजूद है, उनका जो रिसेंट फॉर्म चल रही है उसमें भी एज है, और काफ़ी अरसे से वो खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा है चाहे विराट कोहली है, दोनों के बड़े नाम हैं और दोनों ने परफॉर्म किया हुआ है. लेकिन प्रॉब्लम दोनों टीमों का तभी बढ़ता है जब आपकी शुरू की विकेट्स गिरती हैं. लेट्स से कि भारत की अगर पहले विकेटें गिर जाती हैं दो तीन, और इंक्लूडिंग उसमें विराट कोहली के, रोहित के साथ कोहली आउट हो जाते हैं, और फिर बात आ जाती है मिडिल ऑर्डर के ऊपर. और यही सिचुएशन अगर पाकिस्तान के पास आती है जी कि पाकिस्तान के ऊपर से ओपनर आउट हो गए या इवन बाबर भी आउट हो जाता है, तो उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन हम करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके सऊद शकील हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे एज है. तो आई थिंक पहले 6 से 8 ओवर वेरी क्रूशल के, अगर पाकिस्तान की बॉलिंग है और वो 2-3 विकेटें नए बॉल से ले लेते हैं, जिस तरह उस दिन हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया ने ले ली थी विकेटें, लेकिन विराट कोहली का अगर वो कैच होता तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो रन चेस हो सकते थे. तो अगर बात सिर्फ आ जाती है कंपैरिजन के ऊपर मिडिल ऑर्डर के, तो फिर पाकिस्तान की डेप्थ भी ज्यादा है कि हमारे दोनों जो स्पिनर्स हैं वो कंप्लीट बैट्समैन, पावर हिटिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें. एग्जैक्टली, तो जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का, अगर पाकिस्तान इसको तोड़ने में कामयाब हो जाता है शुरू में, तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि इंडिया का एक रिकॉर्ड भी अगर आप देखते हैं कि जब भी ओडीआई में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जब मैचेस जीते हैं, जब बड़े बड़े रन चेज किए हैं, तो टॉप 3 में से हमेशा किसी न किसी ने 100 किया है. चाहे पास में गौतम गंभीर थे, उसके बाद शेखर धवन हमने देखे, कोहली कंसिस्टेंटली ये करते आ रहे हैं, रोहित शर्मा ये करते हैं. तो अगर टॉप 3 हम जल्दी आउट कर लेते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे. सकीब भाई, आई थिंक वैसी ने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो है ना वो मेंशन किए हैं. टॉप ऑर्डर में चाहे लें चाहे मिडिल ऑर्डर में, इंडिया की जो बैटिंग है उसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान से डेफिनेटली ज़्यादा है. वो ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं. मगर अगर देखा जाए तो टॉप ऑर्डर में इधर इनका थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड है, हमारा थोड़े से इश्यूज टॉप ऑर्डर में जा रहे हैं. बट हमारा जो मिडल ऑर्डर है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, हालांकि इंडिया का मिडल ऑर्डर एक्सपीरियंस के एतबार से, नंबर ऑफ मैचेस के एतबार से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद पाकिस्तान से ज़्यादा हो. बट जिस तरह की फॉर्म हमारे मिडल ऑर्डर की लगी हुई और जो माइंडसेट है हमारे बैटिंग के एतबार से, हमारा बाबर अभी नहीं चला और हम लोग मैचेस बाबर के बगैर ही जीते. इवन पिछला वर्ल्ड कप भी बाबर के बगैर हम लोग जीते, फाइनल तक पहुँचे, सेमीफाइनल तक पहुँचे, T20 के एशिया कप के फाइनल में गए, उस वक्त भी बाबर की परफॉर्मेंस जो थी वो उस तरह की नहीं थी, अच्छी थी बट उस तरह की नहीं थी, इम्पैक्टफुल जो होनी चाहिए वो नहीं थी. इंडिया का जैसे ही विराट कोहली आउट होता है तो पूरी बैटिंग लाइनअप का माइंडसेट चेंज हो जाता है, उनके खेलने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है. इसमें कोई शक नहीं है कि बैटिंग लाइनअप में टॉप ऑर्डर में इंडिया का एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ मैचेस वो ज़्यादा अच्छा है, इनके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं. बट विराट के निकलने से इनकी सारी सोच डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट टाइप की क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं. तो अगर हमने ऊपर से अर्ली विकेट मिलती हो जैसे वैजी ने कहा, और हम पिछले मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिनों से यही कह रहे हैं कि अगर विराट का आउट होना जल्दी, इनकी गेम ही डिफरेंट हो जाती है खिलाड़ियों की. ओएस देखिए, जैसे सकलेनर ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का भी निकाल के आप देखें, जैसे बात ठीक है कि इंडिया का जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो परफॉर्म करता है. पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में मैं खुद भी हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि पाकिस्तान टीम विदाउट एग्रेशन दिखाए हुए, एक छक्का मारे हुए बावजूद इतना बड़ा स्कोर चेस कर देती है. उनका एक तरीका कार है खेलने का, उसको ऑब्वियसली डिस्टर्ब कोई भी नहीं करेगा. लेकिन जहाँ पर अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जहाँ पर इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं,
हमेशा वो जो मिडल जो खास करके जो उनका मिडल ऑर्डर है वो लड़खड़ाता है। पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया के साथ वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ, तो अभी तक जो इनका इंडिया का मिडल ऑर्डर है वो जो ओपनिंग डिपार्टमेंट टेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन विराट ने वहाँ स्कोर किया, केएल राहुल ने किया। वेरस पाकिस्तान की बात करूँ तो थ्रू आउट जो आपने वार्म अप मैचेस भी खेले हैं, आपने दो बड़े मैचेस भी खेले हैं, उसके अंदर आपका जो मिडल ऑर्डर है वो टेस्ट हुआ है, क्योंकि आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करा, तो इसलिए मिडल ऑर्डर मेरे लिए ज़्यादा सॉलिड आपको नजर आता है पाकिस्तान का, क्योंकि वो टेस्टेड है, उसको पता है कि मैंने मुश्किल तरीके से कैसे निकलना है। और वेरस जो सकलैन भी बात करें, इंपॉर्टेंट थी कि वी डोंट रिलाई मच ऑन बाबर। एक वक्त था हम कहते थे कि बाबर आजम ऑब्वियसली बैकबोन है पाकिस्तान टीम की, लेकिन बाबर नहीं भी परफॉर्म करे तो पता है कि पीछे लड़के मौजूद हैं जो कि एवरेज को मेंटेन करेंगे और मुश्किल मैच को जो नामुमकिन था वो जितवा के आपको श्रीलंका के खिलाफ हमने दिया है। अच्छा, उनका टॉप ऑर्डर जो है इंडिया का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो वहाँ जाके इक्वेशन सारी बैलेंस हो जाती है, क्यों किशोर? जी, पेस अटैक डोमिनेटिंग है बिना नसीम शाह के, ये कहना अभी मुझे नहीं लगता सही होगा। अभी हम एक्सपर्ट से भी कमेंट लेंगे उधर, एक बार इसी पॉइंट पे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के और पेस अटैक पे अमृत का भी व्यू ले लेते हैं। अमृत जी, किशोर एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था यहाँ पर कि जो हम ड्यू फैक्टर की बात कर रहे हैं, किशोर एक स्प्रे है, अमूमन कहा गया था कि बाबर आजम रोहित शर्मा ने कहा था कि स्प्रे आ गया है जिससे अगर स्प्रे कर दिया जाए, जैसे कि जब फर्स्ट इनिंग खत्म होती है बीच में जो ब्रेक होता है मिड मैच ब्रेक होता है, अगर उसका स्प्रे खत्म कर डाल दिया जाता है तो ड्यू फैक्टर का जो इम्पैक्ट है वो 70-60% कम हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मुकाबले में। और जहाँ तक मिडिल की बात करूँ किशोर, जो पिच है यहाँ पर एक पेच में फंसे हुए हैं कि अश्विन शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के आने से एक आपको ऑलराउंडर बहुत तगड़ा मिल जाता है, बैटिंग की डेप्थ आपकी बढ़ जाती है, अश्विन आते हैं तो आपका स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर प्लेइंग 11 कंडीशन देखें, कुछ देर में टॉस होना है, कुछ देर में किशोर टॉस होना है, उसका फैसला होना है, लेकिन फैंस ये चाहते हैं जो गुजरात में है, जो इंडियन साहब है वो कह रहे हैं कि अमृत जहां पर आप हैं वहां पर तो अभी इंडिया इंडिया ही हो रहा है। लेकिन बात एक जो ड्यू फैक्टर की कही अमृत ने संदीप साहब की, ड्यू जो फैक्टर है उसमें एक स्प्रे अब जो आ जाता है उसे ड्यू फैक्टर काफी कम करने की कोशिश की जाती है। पर सवाल समर का कि पेस अटैक हावी हो जाता है अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर बेहतर है तो भी, लेकिन नसीम शाह के बिना भी हावी हो रहा है? देखिए, आप सिर्फ टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हो, शायद हम या हमारे दोस्त पाकिस्तान से भूल रहे हैं कि हमारे पास केएल राहुल है, ना सिर्फ केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, उसके बाद रविंद्र जडेजा भी है और हार्दिक पंड्या भी है, तो हम सिर्फ पहले तीन खिलाड़ियों की बात नहीं, उनका कहना है कि विराट कोहली के बाद सब लड़खड़ा जाते हैं चाहे कितने ही अच्छे हो। कहने के लिए बहुत सारी चीजें कह सकते हैं लेकिन आखिर में जो फैक्ट्स है अच्छा प्लीज देखिए, फैक्ट्स को भूलना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान और भारतीय बल्लेबाजी की तुलना हो, लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम 7-0 से आगे हैं और हाल ही में जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का करंट फॉर्म भी जो है, जो करंट फॉर्म दिखाया है, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर हमसे ज्यादा बेहतर है। और पेस अटैक मोंटी, आई थिंक पेस अटैक काफी जो भारत उनका कहना कि पेस अटैक से बैलेंस हो जाता है अगर टॉप ऑर्डर में इंडियन टॉप ऑर्डर को पेस अटैक जिस तरह से उनका चैलेंज करेगा। यह सो आई थिंक जो भारत का क्या अभी थोड़ी सिचुएशन ये है सिक्स बॉलर की, एंड सो जैसे वो कह रहे थे दैट जो बॉल अभी टर्न घूमेगी, आई थिंक अश्विन को डेफिनेटली खेलना चाहिए, पर जब थोड़ा से भी डाउट है ना पिच पे ऊपर जो मे बी थोड़ा ज़्यादा ग्रीन ग्रास हो सकता है, देन मे बी शार्दुल ठाकुर को खेलना चाहिए, बिकॉज तीन स्पिनर को खिलाना एंड बॉल इतनी ना घूमे ना, देन आई थिंक वो मे बी पाकिस्तान को एडवांटेज मिल सकता है। नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो इंडियन टॉप ऑर्डर पर हावी हो जाता है, ये हर बार के लिए कहा जा सकता है, इस तरह की पिच के लिए भी कहा जा सकता है? हावी तब होता है जब बॉल स्विंग होती है। स्विंग भारत की टॉप ऑर्डर की कमजोरी है, एंड जो स्विंग अर्ली ऑन यू नो चांस है नमी न्यू बॉल के गेंद बॉल के साथ ऐसे हो सकता है, सो यू नो काफ़ी मुश्किल यू नो भारत को टॉप ऑर्डर को मिल सकती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे खेले थे यू नो पहली फर्स्ट टू बॉल के साथ यू नो ओवर द टॉप वो कोशिश करना चाहिए मारने के लिए,
आई थिंक ऐसे नहीं नहीं करना चाहिए, यू नो, थोड़ा अंडरनीथ खेलना चाहिए, जैसे नहीं थोड़ा डिफेंसिव। हाँ, नहीं लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजी लेकिन सदीप अलग होती है ना, वो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, स्विंग स्विंग की क्या बात हो रही है, क्या स्विंग सिर्फ इस मैच में होने वाला है? इतने सालों से हम स्विंग देखते आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान के पास अच्छा पेस अटैक है, लेकिन बुमराह